हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल के पार्ट टू दोस्तों यह वीडियो है। आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने यदि पार्ट वन नहीं देखा है तो वीडियो उसमें जाकर देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो देखिए मेटल्स हेडिंग क्या है दोस्तों, आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल। जो आपके दोस्तों सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, यह सब क्या होते हैं, मेटल्स के होते हैं। तो मेटल्स हमें कैसे रिसीव होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑकर इन द नेचर इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ माइनरल। जो दोस्तों अधिकांश मेटल्स होते हैं वह क्या होते हैं कि नेचर में संयुक्त रूप से खनिज के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। क्या वह जो होते हैं पृथ्वी के अंदर, खनिज क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं दोस्तों, अर्थ के अंदर, वही आपके जो खोद के निकाला जाता है दोस्तों वह आपके माइनरल होते हैं। तो यह क्या होते हैं कि कंबाइंड स्टेट के रूप में हमें नेचर में प्राप्त होते हैं। तो माइनरल और नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स मिक्स्ड विथ अर्थ मटेरियल। और जितने भी आपके दोस्तों माइनरल होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ मटेरियल भी क्या होते हैं, मिक्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। माइनरल में कनेक्ट और स्मॉल और अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल इन इट। दोस्तों माइनरल्स में क्या होते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं वह स्मॉल होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, तो इफ द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ माइनरल ऑफ लार्ज। देखिए दोस्तों कि इफ द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ माइनरल इन लार्ज, क्या होता है दोस्तों कि जिस माइनरल में क्या होता है, जिस माइनरल में मेटल्स की जो परसेंटेज हो वह बड़ी हो, तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो माइनरल होते हैं उनमें यदि मेटल्स की जो परसेंटेज हो वह बड़ी मात्रा में हो तो इट इज प्रॉफिटेबल टू माइन एंड एक्सचेंज द मेटल फ्रॉम द माइनरल। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, माइनरल में से जितने आपके मेटल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, निकालते हैं और अपने लाभदायक की यूज में जो हमें बनाना होता है उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। दस द माइनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंटली और कॉल्ड ऑर। हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो आपके माइनरल होते हैं, माइनरल से हम क्या करते हैं कि जो मेटल्स लेते हैं और मेटल से जो दोस्तों हम मटेरियल बनाते हैं और वह हमें जो प्राप्त होता है उन्हें हम क्या करते हैं, ऑर्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह आपका ऑर्स का क्या हो गया, डिफिनीशन। ठीक, ध्यान से नोट पॉइंट बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, द मेटल्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड एंड सो ऑन, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेटल्स और दे नेम्ड सो। तो जितने भी आपके दोस्तों ऑर्स होते हैं वह किसके किसके रूप में होते हैं दोस्तों, तो ऑक्साइड के रूप में,
कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, जो दोस्तों इनके आधार पर क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेटल और दे आर नेम, इनके आधार पर जो होता है दोस्तों मेटल का क्या होता है निर्माण होता है, जिनके नाम दोस्तों निम्न हैं। तो आगे देखिए क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या है कि द टेबल या टेबल बना हुआ है दोस्तों, गिवन बिलो शो सम ऑफ मेटल एंड देयर और, कुछ दोस्तों आपके मेटल्स दिए गए हैं और किससे या रिसीव होते हैं वे भी आपको दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला टाइप ऑफ और है दोस्तों ऑक्साइड और, ऑक्साइड और में क्या क्या होते हैं दोस्तों, नेम ऑफ और क्या क्या है, तो आपके है हेमाटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। इसके दोस्तों केमिकल फार्मूले क्या होते हैं, हेमाटाइट के फार्मूले होते हैं दोस्तों आपके Fe2O3, क्या होते हैं Fe2O3, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों बॉक्साइट, बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है Al2O3 × 2H2O। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके मैग्नेटाइट के फार्मूले क्या होते हैं Fe2 Fe3 O4, ठीक है। तो इनसे हमें दोस्तों मेटल्स क्या क्या मिलते हैं, तो देखिएगा हेमाटाइट, हेमाटाइट से दोस्तों हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, जिसका केमिकल नेम होता है Fe, हेमाटाइट से हमें क्या मिलता है, आयरन। इसके बाद दोस्तों देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम, जिसका Al कहते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से भी हमें क्या मिलता है, आयरन, आयरन, ठीक है। तो हेमाटाइट से हमें आयरन मिलता है और मैग्नेटाइट से भी हमें क्या मिलता है, आयरन, और बॉक्साइट से हमें क्या सा मेटल मिलता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, आगे है हॉलिड और, इसके नेम ऑफ और क्या क्या हैं, रॉक सॉल्ट है और क्या है क्रिस्टलीट, क्या है दोस्तों क्रिस्टलाइट, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है NaCl, इससे हमें दोस्तों मेटल्स क्या मिलते हैं, सोडियम, Na क्या मिलता है, या क्या है आपका मेटल है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका क्या है क्रिलाइट, इसके इसका केमिकल नेम क्या होता है Na3AlF6, क्या होता है Na3AlF6, इससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आपके कार्बोनेट और है दोस्तों, इसमें नेम ऑफ और क्या क्या हैं, लाइमस्टोन और क्या है केलेमाइन, ठीक है। तो लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CaCO3, इसमें हमें जो मेटल मिलता है दोस्तों वह क्या मिलता है, CA क्या क्या मिलता है, लाइमस्टोन से हमें मेटल्स मिलता है। इसके बाद देखिए क्या है केलेमाइन, केलेमाइन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपका कि ZnCO3, हमें दोस्तों इसमें क्या प्राप्त होता है मेटल्स, जिंक, ठीक है। तो इस जिंक जो होता है दोस्तों मेटल होता है, यह हमें क्या किससे प्राप्त होता है, केलेमाइन से, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों क्या है, अब सल्फाइड और है, इस क्या क्या है गेलेना, गेलेना दोस्तों केमिकल नेम फार्मूला क्या है FBS, क्या है FBS, यहाँ पर दोस्तों जो अरे सॉरी दोस्तों गेलेना का क्या फार्मूला है PBS, ठीक है PBS है। और देखिएगा दोस्तों जो यहाँ पे PB है वह क्या है आपका मेटल्स है, तो हमें गेलेना से क्या प्राप्त हुआ PB लीड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है सिन्वर, सिन्वर क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है HgS, जो इसमें दोस्तों Hg होता है मरकरी, इसे क्या कहते हैं मरकरी, यह क्या होता है आपका मेटल्स होता है।
तो हमें सिनबार से क्या प्राप्त होता है, HG मरकरी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास का केमिकल नेम क्या होता है, Cu2S, क्या होता है Cu2S। इससे दोस्तों हमें Cu जो है इसे हम कॉपर कहते हैं, हमें क्या होता है कॉपर क्या है आपका मेटल से, तो हमें इससे क्या होता है प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों सल्फेट और में देखिए क्या है गैप्सम, गैप्सम में देखिए दोस्तों इसका केमिकल नेम क्या होता है CaSO4 × 2H2O, क्या होता है CaSO4 × 2H2O। इसमें दोस्तों जो Ca है यह हमारा मेटल से, इसे क्या कहते हैं कैल्शियम, ठीक है, यह हमें इससे प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए क्या है आइपोसोम साल्ट, क्या है आइपोसोम साल्ट, इसका केमिकल नेम फार्मूला क्या होता है MgSO4 × 7H2O, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका जो Mg है मैग्नीशियम है, यह क्या है मेटल से, ठीक है। तो इसको दोस्तों लर्न कर लीजिएगा दोस्तों और नोट्स पॉइंट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए दोस्तों इतना ही, इसका नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।